हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग मशीन के शटर को एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी सिलाई ख़राब आती है मशीन में, या फिर मशीन गुच्छा दे रही होती है, या फिर कोई और प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से, तो इसमें आपका धागा फंस जाता है, या फिर कोई और प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभार ये ज़्यादा नुकीले हो जाते हैं तो ये आपको बदलने पड़ते हैं। तो ऐसी सब प्रॉब्लम के लिए आपको शटर को निकाल के उसे अच्छे से लगाना आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएगा निकालना और लगाना, तो आप इसको ठीक नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कैसे इसको हम, मतलब पहले डिसेंबल करके दिखाएंगे एक एक पार्ट को, फिर उसके बाद में इसको वापस से असेंबल करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों नट को खोल लीजिए। इस तरीके से ये निकल जाता है। अब आप इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं और इसको भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों ये एक और नट होता है, इसको भी खोलना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है। इन सारी जगहों पे दोस्तों धागा फंस जाता है। मेनली धागा आपका इसके अंदर फंसता है और इसमें फंसता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और आपको इसको अच्छे से निकाल के और साफ़ कर लेना है अच्छे से। और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, जैसे कि जब ये चल रहा है ना, तो यहाँ पे ये बिल्कुल प्लेन चलना चाहिए। तो इसको एक अच्छे से साफ़ कर लेना, जो ये इसकी ये वाली लाइन होती है ना, ये अच्छे से साफ़ कर लेनी। और इसका मशीन का जो ये वाला पार्ट है, इसको ये वाला पार्ट है, इसको भी आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद में ये बिल्कुल एकदम प्यार से चलना चाहिए। इसमें ऑयल वॉयल आप अच्छे से डाल दीजिए और फिर आप साफ़ करके अच्छे से इसको लगाइए। तो हम जल्दी से इसको साफ़ कर लेते हैं। आप इस तरीके से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। पेचकस में आप कपड़ा लगा लीजिए, या फिर किसी नुकीली चीज़ में कपड़ा लगा लीजिए, फिर अच्छे से इसे साफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों हमने सारे पार्ट्स को अच्छे से सेट कर लिया है। अब देखते हैं कि इसको वापस से असेंबल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं कि इस वाले पार्ट को वो ऐसे लगा देते हैं, जबकि इसे इस साइड में करके लगाना है। इसको इस साइड में लगाना, ना कि अपोजिट साइड में। उसके बाद में हमने ये घोड़े की नाल टाइप जैसी चीज लगानी है इसमें, और इसको अच्छे से सेट कर देना है। फिर ये इसको इस तरीके से लगा देना है और नट को हमने टाइट कर देना है। इसमें दोस्तों आपको जरा सा ध्यान रखना है, जरा सा भी ये इधर उधर हो गया ना, तो आपकी मशीन को चलने नहीं देगा ये। तो एकदम सेंटर पर ले जाके इसको सेट करें, फिर उसके बाद में नट को टाइट करें। अब हम इसको लगा के देखते हैं। और दोस्तों बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप लोग सुई को निकाल सकते हैं लगाने से पहले। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आप सेट करेंगे इसको और सुई आपकी अगर नीचे गई उसको सेट करते टाइम पे, तो आपकी सुई टूट जाएगी। 90% केसेस में सुई टूट जाती है अगर शटर सेट करते टाइम पे लगी हुई हो। तो आपको भी सुई को अपनी निकाल लेना है। फिर आप अच्छे से इसको देखो, आप सेट कर सकते हैं। इसको हम कैसे भी घुमा लें, सुई हमारे टूटने का रिस्क नहीं रहेगा। इस तरीके से ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप डाउन करके एडजस्ट हो जाएगा। और आप रफली मशीन को अपने चला के देख सकते हैं कि सही से चल रही है कि नहीं। और अगर मशीन सही से चल रही है, तो फिर आप नट को टाइट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे कामों के लिए आप टेस्टर का बिल्कुल यूज ना करें, बड़े पेचकस का यूज करें। हमारे पास में अभी अवेलेबल नहीं है। और एक चीज़ आप और कर सकते हो, ये दोनों नटों को ना हल्का हल्का सा ढीला छोड़ दो कसने से पहले। उसके बाद में फिर जब दोनों नट आपके टाइट हो जाए, देन फिर एक एक करके दोनों को टाइट कर सकते हो।
इससे ज़्यादा अच्छे से टाइट नहीं हो रहे हैं। बाकी आपको बड़े पेचकस का यूज़ करके उनको अच्छे से टाइट कर देना है। एंड देन आपका सेटल खुल गया, उसके बाद में उसकी सफाई भी हो गई और ये वापस से सेट भी हो गया। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सिलाई मशीन के रिपेयरिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पे अदर वीडियोस को देख सकते हो। सुई को लगाना है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, इसको ज़्यादातर लोग सही से नहीं लगाते हैं। तो सुई को कैसे लगाना है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं कि सुई को कैसे लगाएंगे। इस वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।